31 दिसंबर 2019 के दिन हमारी पृथ्वी पर एक डरावनी कहानी की शुरुआत हुई, जिसका मेन विलन था कोरोना वायरस। हमारे कोविड वॉरियर्स अभी इससे लड़ ही रहे थे कि इसी बीच एक नए विलन की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। सबसे पहले समझते हैं कि एक फंगस क्या होता है। फंगस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ना कि एनिमल्स, ना ही प्लांट्स और ना ही बैक्टीरियाज होती हैं। बैक्टीरियाज जिनके पास सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसके उलट फंगस में एनिमल्स और प्लांट्स की ही तरह कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करते हैं। तो सवाल उठता है कि ब्लैक फंगस कौन सी चीज़ है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस, ये एक रेयर बट सीरियस इन्फेक्शन है जो कि मॉल्स के एक ग्रुप म्यूकरमाइसेट्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है। ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या वो मेडिसिंस लेते हैं जो कि जर्म और सिकनेस से फाइट करने की उनकी एबिलिटी को कम कर देता है। यही म्यूकरमाइकोसिस जब कोविड-19 के साथ एसोसिएट करता है तो हम उसे ब्लैक फंगस कहते हैं। जिन लोगों को कोविड-19 होता है या जो उससे रिकवर हो रहे होते हैं, उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमें म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके बॉडी के किस पार्ट में वो फंगस ग्रो कर रहा है। मान लो अगर आपके बॉडी के इंटेस्टाइनल पार्ट में वो फंगस ग्रो कर रहा है तो आपको एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग होगी। अगर आपके लंग्स में ग्रो कर रहा है तो आपको फीवर, कफ, चेस्ट पेन होगा। अगर आपके साइनस या ब्रेन के पार्ट्स में ग्रो कर रहा है तो आपको टूथहेक, हेडेक या फिर नसल कंजेशन या फिर फीवर होगा। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि तुमने इतना हमें डरा तो दिया, लेकिन अब ये बताओ इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो इसके प्रिकॉशंस बड़े ही सिंपल हैं। आपको सिंपली बस अपने आसपास हाइजीन मेंटेन रखनी है और आपको मास्क पहनना है। आपको मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस फंगस के फैलने का जो सबसे मेन तरीका है वो हवा के थ्रू है। अगर ये फंगस हवा के थ्रू आपके अंदर घुस गया और आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये आपके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और ये बात आप जान लो कि इस फंगस का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 50% है, यानी कि अगर आपको ये हो गया तो 50% चांसेस हैं कि हाँ, समझ सकते। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनो, अपने आसपास वालों का और अपना ख्याल ज़रूर रखो। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक या डिसलाइक तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा। अपना ख्याल रखो प्लीज़। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाओ, नई चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। और क्या।